क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ए बी सी डी इज 120 मीटर। डेट मीन्स ये जो फिगर है ए बी सी डी, इसका पूरा लेंथ 120 मीटर है। इफ बी सी इज 48, मीन्स दिस लेंथ इज 48 मीटर, सी डी इज 17, सी डी इज 17 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 40 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इसे हम आप फिगर में समझ लेते हैं। टोटल ए बी सी डी, इसका टोटल लेंथ है ए बी सी डी 120 मीटर गिवन है, ये हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं सेकंड, बी सी इज 48, बी सी मीन्स ये जो पैरेलल साइड है ये 48 मीटर है, बी सी 48 मीटर। सी डी यानी कि ये वाली साइड, ये सी डी साइड आपको दी हुई है 17 मीटर, एंड ए डी साइड मतलब जो अनदर पैरेलल साइड है ये दिया है आपको 40 मीटर। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टू पैरेलल साइड है, तो हमें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगेगा। ये जो भी फेंस है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 H A+B। हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं कि पैरेलल साइड्स को हम ए और बी बोलते हैं, तो पैरेलल साइड्स कौन से दिख रहा है, एक दिख रहा है ए डी, ए डी यानी कि ये वाला, इसे हम ए समझ लेंगे। दूसरा साइड है बी सी, ये हमारा दूसरा पैरेलल साइड है जिसे हम बी कहेंगे। अब हमें यहाँ पर चाहिए परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली साइड। अब ये वाली साइड भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हमको टोटल लेंथ ए बी सी डी दिया है। इसका मतलब अगर ए बी फाइंड करना हो तो टोटल साइड हमारे पास 120 है, हम इसे 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 इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए बी फाइंड हो जाएगा। तो ए बी पता करने के लिए पूरा जो लेंथ है वो 120 मीटर है, विच इज़ गिवन हियर। तो हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इक्वल टू 120 है। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी हमें पता करना है, टोटल लेंथ हमारे पास 120 है, बी सी हमारे पास में 48, सी डी हमको दिया है 17 और ए डी दिया है 40। इसे प्लस कर लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, 40 + 48 ये हो गया 88, 88 प्लस 17, यहाँ पर 88 में 17 प्लस कर लेते हैं, 88 प्लस 17 तो 14 + 1 = 15, 1 कैरी 105, यानी ए बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 105, ए बी हमारे पास 105 हो गया, यही हमारा एज है 105। यहाँ से 120 में से माइनस कर लेते हैं तो 120 माइनस, क्योंकि ए बी की वैल्यू यहाँ पर 120 है तो ये यहाँ से वैल्यू इस तरफ जाएगी, तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 120 माइनस 105 यानी कि 15 मीटर, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 1/2 × एच हमारे पास हो गया 15, ए हमारे पास में है पैरेलल साइड 14, दूसरी पैरेलल साइड है हमारे पास 48, 1/2 × 15, 40 और 48, 88 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 × 15 × 88, यहाँ नीचे रहेगा 2 × 1 × 1, इससे ही कैंसिल हुआ 44, 44 × 15, रफ में देख लेते हैं 44 का 15 से मल्टीप्लाई, 5 × 4 = 20, 2 कैरी हुआ, 5 × 4 = 20, 20 + 2 = 22, 1 का इससे मल्टीप्लाई 44, 0 6 6, हमारा आंसर हुआ 660 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको सारे नंबर्स मीटर्स में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। यहाँ पर एक
क्वाड्रिलेटरल शेप है जिसका जो डायगोनल है, मीन्स ये वाली जो लाइन जा रही है डायगोनल है, विच इज़ 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस, और जो अपोजिट वर्टिसेस हैं विच इज़ 13 मीटर एंड 8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फील्ड है ये आपको एक ट्रैपेज़ियम टाइप लग रहा है क्योंकि इसमें अपोजिट साइड इक्वल है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 24 मीटर है। तो यहाँ पर वापस ट्रैपेज़ियम वाला फार्मूला लगेगा, हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है पैरेलल साइड्स जो है यहाँ पर एडी और बीसी है, तो एडी को हम 13 मीटर है और बीसी साइड ये यहाँ पर 8 मीटर दिया हुआ है। इसके अलावा डायगोनल 24 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आपके जो डायगोनल फील्ड है वो 24 मीटर है, दैट मीन्स ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी हाइट होगी जो 24 मीटर है। अब हम यहाँ पर ट्रैपेज़ियम का फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम होता है 1/2 h a + b, जो हम लोग यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, 1/2 h यानी कि ए सी विच इज़ 24 मीटर, ए यानी कि हमारा पैरेलल साइड्स ए डी जो हमारे पास 13 मीटर है, 13 प्लस अनदर सेकेंड साइड बी सी जो हमारा बी है इसे हम ऐड करते हैं, 24 से 2 यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम में कट हो रहा है, तो ये होगा 1 × 12 यानी कि 12, 13 प्लस 8 इसे प्लस करेंगे तो होगा 21, दैट मीन्स 12 × 21, रफ में हम एक बार देख लेते हैं इस तरफ 21 × 12, तो यहाँ आ जाएगा 42 और यहाँ पर आ गया 21, 252, दैट मीन्स 252 मीटर में पेरीमीटर रहे तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हुआ, यही आपका इसका एरिया का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 75 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब यहाँ पर ट्रैपेज़ियम नहीं आते हुए रोम्बस आ गया है जिसका हमें एरिया फाइंड करना, तो सबसे पहले इसे हम समझते हैं कि रोम्बस क्या होता है। शुरुआत में हमने ट्रैपेज़ियम को पढ़ा था, इस बार हमारे पास रोम्बस भी है, तो रोम्बस को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा रोम्बस की स्टडी कर लेते हैं। रोम्बस में भी आपको सारी वर्टिसेस या ऐसा कह सकते हैं जो साइड्स होती है ये साइड्स इक्वल होती है लाइक स्क्वायर, लेकिन इन मान लो ये ए बी सी और डी है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि बी से डी या ए से सी ये इसके डायगोनल्स कहलाते हैं, लेकिन कभी भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने इक्वल बना दिया बट ऐसे इक्वल नहीं होते हैं, कुछ ऐसा मान लो कि एक डायगोनल बड़ा होता है दूसरा डायगोनल थोड़ा सा छोटा, इस तरीके से हो सकता है। डायगोनल के साइड की जो लेंथ होती है वो लेंथ इक्वल नहीं होती है। इसका फार्मूला देख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला भी 1/2 होता है, साथ में डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकेंड, इस तरीके से इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से कुछ रोम्बस का फिगर हो सकता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल है लेकिन इनके डायगोनल सेम नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें फर्स्ट डायगोनल 7.5 है यानी कि ये मान सकते हैं विच इज़ 7.5 मीटर और ये है 12। आप देख रहे हैं कि डायगोनल फर्स्ट डायगोनल टू से छोटा है, इसे हम ए बी सी और डी मान लेते हैं, यानी ए सी हमारा फर्स्ट डायगोनल, ए सी डायगोनल हमारा हुआ 7.5 मीटर विच इज़ गिवन इन क्वेश्चन, एंड बी डी सेकेंड डायगोनल हुआ विच इज़ 12 मीटर। अब हम यहाँ पर फार्मूला पुट करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल टू, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, बस अब हमें वैल्यू पुट करना है 7.5 और यहाँ पर हुआ 12। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, इसे मैं ओपन में 1 कर लेता हूँ तो 2 × 1 × 1, तो
7.5 इंटू 12, यहाँ होगा 2, 2 से 12 कैंसिल, 6, 5 6 का 30, 30 का 0, 3 हमारे पास कैरी होगा, 7 6 का 42, 42 प्लस 3 यानी कि 45। अब क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो हमें किसी एक नंबर के पीछे यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर हुआ 45 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ, साथ में हम लगाएंगे स्क्वायर।